विवाह के तुरंत पश्चात उन्होंने क्रांति गुरु का रूप धारण कर लिया। हमें पता तक नहीं चला। ये विश्वासघात है। ये विश्वासघात नहीं गंगाधर, ये तो झांसी को बचाने का निश्चल पराक्रमी प्रयास है। परंतु महारानी ने हमारी छवि प्रजा में धूमिल कर दी। तुम ये क्यों भूल जाते कि उसने क्रांति गुरु का छद्म वेश धारण करके जो कुछ भी किया वो झांसी के हित के लिए है किया। और सच बात तो ये है कि क्रांति गुरु ने वो कर दिया जो करने का साहस तुम में नहीं था। योर मैजेस्टी, कल सुबह हम मार्शल के डेड बॉडी फोर्ट विलियम भेज रहे हैं। क्या यही सूचना देने के लिए आप यहां पधारे हैं? No, Your Majesty. But if Fort William comes to know that a British officer has been brutally murdered in Jhansi, in front of a whole Jhansi crowd, not to mention Gangadhar Rao, then the whole of Jhansi's law and order will come under the scanner. And may I remind you, Your Majesty, law and order is your primary responsibility. परंतु झांसी की सुरक्षा व्यवस्था का भार आप पर है। But, Your Majesty, जहां मार्शल का मर्डर हुआ वो आपका jurisdiction में है। If this anarchy continues to exist, then East India Company is bound to take over Jhansi's administration. क्षमा कर दीजिएगा, हमसे अनजाने में भूल हो गई। वो हम पर कितना विश्वास रखते हैं और हम उनके विश्वास को न जाने कैसे आघात पहुंचाया। अब हमें तत्काल ही महाराज को सारी परिस्थितियों के बारे में अवगत कराना होगा। क्षमा करें महाराज, सलीमन फिरंगी है और मार्शल के मृत्यु के पश्चात वो भी वही कर रहा है जो हर फिरंगी किया करते हैं। इसलिए महाराज हमें सलीमन की हर योजना को धराशायी करना होगा। सलीमन ने जो समस्या उत्पन्न की है उसे तो हम सुलझा लेंगे रघुनाथ, परंतु उससे पूर्व कुछ परिस्थितियां ऐसी जिन्हें हमें सुलझा। महाराज, हम समुचित रूप से पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं कर पाए। और यही नहीं, आपने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। महारानी की गरिमा खंडित कर दिया आपने। अब आप ही बताइए महाराज, क्या हमारी प्राची को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए, परंतु ना ही आपको अपने पति पर विश्वास था और ना ही झांसी नरेश पर। केवल आपके कारण मार्शल की हत्या से इन फिरंगियों को और एक अवसर मिल गया है। उनका कहना है कि क्रांति गुरु को उन्हें सौंपा जाए, अन्यथा झांसी राज्य हमारे हाथ से चला जाएगा। आप हमें बताइए कि आप क्रांति गुरु बनकर रहना चाहती है या झांसी के बाहर। कल सुबह तक आपके पास समय। महाराज, कृपया इतनी बड़ी परीक्षा ना लीजिए। हमारे लिए दोनों ही बातें त्यागना असंभव है। महाराज, आपने एक पति और एक राजा के दृष्टिकोण से सोचा, एक पल हमारी दृष्टिकोण से सोचिए। हम धर्म और कर्म में से किसे छोड़े और कैसे छोड़े?